हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा शिफ्टिंग का दिन आ चुका है और मैं आप लोगों को क्विक अपडेट दे देती हूँ हमने कितना काम कर लिया है। वैसे तो ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया है क्योंकि अभी थोड़ी देर के अंदर ही ट्रक आने वाला है, तो अभी हमें सारा सामान वगैरह सब करना है। तो आपको बता देती हूँ, सो ये मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाया था कि यहाँ पर हमने सारा फर्नीचर खोल के रख दिया है। सोफ़ा, कॉफ़ी टेबल और अक्की की वर्किंग टेबल सब कुछ, और ये सारे हम लोगों ने कार्टन्स पैक करके रख दिए हैं, सब पे लिख भी दिया है। और ये छोटे छोटे करके इतने सारे बैग हो चुके हैं ना, इधर यहाँ पे यहाँ पे, और कुछ ऐसा सामान है जो हमने खोला ही नहीं है, बस हमने उनके ऊपर टेप लगा दी है कि वो ना निकले। फर्नीचर वैसे खोल दिया है एंड यहाँ पे भी हमने टेप लगा दी है ताकि जब इसको उठाएंगे ना तो ये खुलेगा नहीं, तो आराम से उठा लेंगे। तो अभी इस रूम का हाल है, मैं आप लोगों को दूसरे रूम का भी दिखाती हूँ। उससे पहले यहाँ नीचे दिखा देती हूँ, ये जो प्लेट्स लगी हुई है ना, सो बेसिकली अभी एक कार खड़ी तो है, देखते ये भी हटा ले थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद में मैं आप लोगों को दूसरा रूम दिखाती हूँ। ये तो अभी पहले रूम का हाल है। दूसरे रूम के अंदर आकाश बैठ के नाश्ता कर रहा है। अभी हमारे पास पूरा बेड भी खुल चुका है हम लोगों का और यहाँ पे भी बेड वगैरह, ये टीवी हमने बहुत अच्छे से पैक कर दिए। इनको हमने पैक नहीं किया है, बस टेप लगा दी है। इधर भी छोटू मोटू बहुत सामान है, कुछ तो कार्टन्स हमारे बच भी गए हैं इधर, है ना, और ये अक्की की वजह से ही बचे हैं, पता नहीं इसको क्यों बचाने। मैं कह रही हूँ सब पैक कर दो तो भी। और किचन तो पूरा खाली हो चुका है अभी यहाँ पे मेरी खुद की आवाज़ इतनी गूंज रही है ना क्योंकि पूरा खाली हो चुका है, तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ बचा नहीं, हमने सब पैक कर दिया। थोड़ा बहुत सामान पड़ा है ना, आपको दिख रहा है, बस ये लास्ट कार्टन में जाएगा, वो पैक हो जाएगा, बाकी इधर ऑलमोस्ट हो चुका है। तो गाइज़, अगर यहाँ पे कोई सामान छूट भी जाता है ना तो हम लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस अक्टूबर के महीने में हम लोगों ने इस घर का भी रेंट पे किया है, नए वाले घर का भी रेंट पे किया है, तो हम इस महीने यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। जो भी सामान बचेगा हम लोग सूटकेस में आराम से ले जाएंगे। मेन जो चीज़ है फर्नीचर, वो चला जाना चाहिए क्योंकि ट्रांसपोर्टर को बार बार बुक करना वो बिल्कुल आसान नहीं है, तो हम लोग चाह रहे फर्नीचर चला जाए। और हमने ना 4 से 5 घंटे के लिए बुक किया है क्योंकि मेरे को पता है फर्नीचर इतना ज़्यादा है कि एक राउंड में तो नहीं जाने वाला, 2 राउंड तो लगेंगे, बाकी देखते हैं। और यार हम लोगों को पता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा करके भी हमारे पास में इतना फर्नीचर हो चुका है ना, और इतने फर्नीचर के साथ भी शिफ्टिंग करना ना भाई साहब बहुत मुश्किल है, और ऊपर से इनको सबको पैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको दिखाई थी ना नीचे, हम लोगों ने पूरा प्लेट्स वगैरह लगवाई, तो भी किसी ने अपनी कार खड़ी कर दी है, पता नहीं क्यों लोग देखते नहीं है यहाँ पे। तो अभी अक्की नीचे फ़ोन कर रहा है पुलिस को ताकि फिर वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि ये कार वगैरह हटवाने की। यहाँ पे लोगों के इतने ज़्यादा कीड़े होते हैं ना, सच में यहाँ पे नहीं, मेरे को ऐसा लगता है हर जगह ही होते हैं। तो हमने पूरा पूरा प्लेट्स लगवाई थी जिस पे लिखा हुआ था कि आज के दिन पे ये जो स्पेस है वो बुक है, तो भी इन लोगों ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी, पता नहीं किसकी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, और पता नहीं क्यों कीड़े करते हैं लोग, फिर दूसरों को कॉल करना पड़ता है ये सब। तो हमने जो ये स्पेस बुक किया है ना, इसके हमने पे किए 80 यूरो, और ये जो दोनों साइड प्लेट्स लगी है इसके हमने पे किए 50 यूरो, और जो अभी ट्रांसपोर्ट के लिए जो ट्रक आने वाला है उसके हम लोगों ने दिए हैं 350 यूरो, तो 500 तो आप ऐसे ही मान के चलो। इसके अलावा हमने उनसे 2 हेल्पर भी लिए थे, ये सारा सामान हेल्प ताकि थोड़ी हेल्प मिल जाए, तो उनको भी हमें पे करना पड़ेगा। तो देखते हैं वो दोनों हेल्पर कितना लेते हैं, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी हमारा टोटल कितना लगा। तो मेरे को लग रहा है 500 से 600 तक, तो इतना तो हमने सोचा ही है कि इतना तो जाएगा ही। गाइस अभी अक्की ने भी कॉल कर दिया और अभी उनका ये रिस्पॉन्स आया कि वो किसी को भेज रहे हैं और फिर ये गाड़ी वो हटवाएंगे। तो बेसिकली ये होता है ना कि अगर आप सारी चीज़ एक प्रोसेस के साथ में करते हो ना, तो फिर आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस हमने कॉल किया और उनका ये रहा कि भाई हम किसी को भी भेजेंगे, ये गाड़ी हट जाएगी यहाँ से, और फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती लास्ट टाइम पे कि अब ये गाड़ी कैसे हटाएं या कुछ भी कैसे करें। ट्रांसपोर्टर पहले आ गया और ये गाड़ी अभी तक हटी नहीं है, इसको हटाने वाला अभी तक आया नहीं है, उससे पहले ट्रांसपोर्टर आ गए, हेल्पर भी आ गए। हम देखते हैं यार ये गाड़ी कब हटेगी, इस गाड़ी की वजह से इतनी दिक्कत होने वाली है ना। तो सारे काम इतने धीरे होते हैं ना, उसकी वजह से इतनी दिक्कत होती है, अब पता नहीं कब हटाएंगे।
अभी इन लोगों को भी दिक्कत हो रही है, इतनी सी स्पेस है ना। सो गाइस अभी ट्रैफिक पुलिस आ गई गाड़ी हटवाने के लिए। तो गाइस बेसिकली जिसके नीचे गाड़ी खड़ी थी तो अभी वो गाड़ी हट भी रही है, पुलिस भी आ गई, आप लोगों को दिखाया था मैंने। एंड अभी उस वो रेंटेड कंपनी की गाड़ी थी और उस पर फाइन लगा है 700 यूरो का, जो अभी रेंटेड कंपनी को पे करना पड़ेगा। अभी रेंट वाली कंपनी को 700 लगा है, यानी जिसने गाड़ी खड़ी उसको तो और ज्यादा लगेगा। हाँ मतलब अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। यहाँ ये है, अभी जर्मनी वालों में रूल से चल रहे हैं तो सामने वाले को चलना पड़ता है। अगर आप रूल से सारा काम करते हो आपके ऊपर कोई चीज़ नहीं आती है, सामने वाले को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि अभी ये सब चीज़ें हुई, सामने वाले का फाइन लगा। तो गाइस अगर आप भी शिफ्टिंग करने वाले हो ना तो ये सभी चीज़ें एक प्रोसेस के साथ में करना, ताकि लास्ट टाइम पे आप लोगों को किसी बात की टेंशन ना लेनी पड़े। इतना सामान खाली हो चुका है, काफ़ी खाली हो गया ना, बहुत अच्छे से सारा सामान जा रहा है और वो लोग बहुत जल्दी जल्दी भी कर रहे हैं। और नीचे एकदम से सामान सारा सेट भी वो खुद से ही कर रहे हैं, पहले फर्नीचर वगैरह सारा। गाइस उस गाड़ी को उठा के लेके जा रहे हैं। और आगे एक स्लिप भी दिख रही होगी ना आपको, वो फाइन की है। पता नहीं लोग क्यों नहीं देखते हैं, इतना बड़ा बड़ा लगा रखा था तो भी दोनों साइड लगाया था कि ताकि लोगों को अच्छे से दिखे और कोई गाड़ी ना लगाए यहाँ पे। चलो जिसकी भी थी चली गई। सो गाइस अभी ट्रांसपोर्टर वाली गाड़ी तो निकल चुकी है। मैंने आप लोगों को बोला ही था दो राउंड तो आराम से निकलेंगे, काफ़ी सारा अभी फर्नीचर भी बच गया है, सामान भी बच गया है, तो वो दूसरे राउंड में जाएगा। एंड आकाश कैब करके गया है वहाँ पे, ताकि नए घर में वो सारा सामान उतरवा ले और सारा घर पे रखवा दे, और मैं यहीं पे हूँ ताकि वो लोग मतलब वापस आएंगे तो मुझे ये सब सामान भी करवाना है। शायद मुझे नए घर में ये सब करा के अकेले ही जाना पड़ेगा, देखती नहीं तो आकाश को बुला लूँगी यहाँ पे वापस। एंड गाइज अभी नीचे आप लोगों ने देखा ही था वो गाड़ी को कैसे उठा के गए, तो अभी एक और टैक्सी थी जो यहाँ पे खड़ी हो गई, काफ़ी बुढ़े से अंकल थे जो उतरे, तो मैं यहाँ पे से हाथ करके कि यहाँ पे पार्क मत करो, ये स्पेस रिजर्व पे मत करो अभी थोड़े टाइम के लिए, मेरे को लगा यार फिर बेचारे उनका भी फाइन लग जाएगा। और छोटा मोटा फाइन तो आप लोगों ने देख ही लिया, कितना बड़ा फाइन लगाते हैं सीधा 700 यूरो का, तो मैंने कहा बेचारे का और टैक्सी का भी इसका भी फाइन लगेगा, तो फिर उसने अपनी गाड़ी हटा ली। यार सामान सारा मैंने एक ही रूम में रख दिया, जो जो मेरे से उठाया गया वो तो मैं ले आई, बाकी तो सारा उधर ही है। एंड अभी नीचे यहाँ पे पुलिस की गाड़ी खड़ी हो गई है। वेल गाइस ये लोग तो किसी काम की वजह से आए हैं, ये लोग तो अभी हटा भी लेंगे, यहाँ आके कोई काम था इनको। तो गाइस हम लोग फाइनली शिफ्टिंग से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं, और मतलब करते करते भी देखो यार थोड़ा सामान तो यहाँ पे बच ही गया है। बहुत कोशिश करी कि सारा भिजवा दें, पर प्लांट्स वगैरह थे जो हम खुद से लेके जाना चाहते हैं, बाकी छोटे मोटे बैग हैं 4-5। और लेकिन तो पता है हम लोग ने सोचा था वैसे आखिरी में एक दो लैपटॉप बैग्स हो गए, एक आध थोड़ा पर्स हो गया, प्लांट्स हो गए, बस इतना लेके जाएंगे, और वो करते करते 3-4 थैले और भर गए आखिरी में, 5-6 हो गए। गाइस सोचा तो 2-3 का था, पर ठीक है अभी हो गए 5-6, तो हम सोचे सीधा टैक्सी कर लेते हैं, क्या हिम्मत नहीं है यार कि देख यार पता है वेडनेसडे शाम को चालू किया था, फ्राइडे की शाम खत्म हो चुकी है और अब जाके पूरी शिफ्टिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि कब से खोले जा रहे हैं जमाए जा रहे हैं। आज तो एकदम इंटेंसिवली 5 घंटे शिफ्टिंग हुई अच्छी प्रॉपरली, उससे पहले हम लोग ने 2-3 बार छोटा छोटा सामान रख के आए थे, अगर वो नहीं रखते तो कम से कम शिफ्टिंग 2-3 घंटे और बढ़ जाती। सही में बहुत सामान था, बहुत कसम से। और अभी भी हमारा पूरा सामान गया नहीं है, वो हम थोड़ा बहुत छोड़ के जा रहे हैं ताकि हम बाद में आराम से आएंगे धीरे धीरे ले जाएंगे। फाइनली हमारी शिफ्टिंग पूरी हो गई है और अभी हम हमारे नए घर के अंदर है, और अभी आप देख रहे हो ना सब कुछ बिखरा पड़ा है, अभी हम लोग आराम से सेट करेंगे सब कुछ, अभी तो थके हुए आराम से। तो अभी हम आप लोगों को बता देते हैं अगर आप भी शिफ्टिंग करने वाले हो तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना चाहिए और हम स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली जर्मनी में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आपको पता ही होगा कि आपकी खुद की पार्किंग स्पॉट है, तब तो इन सब की कोई माथा पच्ची की दिक्कत ही नहीं है, आराम से गाड़ी बुक करो, खुद की है तो और भी बेटर, रेंट करो और शिफ्टिंग कर लो। अगर आपके पास खुद का पार्किंग स्पॉट नहीं है तब थोड़ी सी माथा पच्ची रहती है, दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप एक कंपनी के पास आई जाओ, उनको बोले यार मेरे को शिफ्टिंग करनी है तो मेरे लिए पार्किंग स्पॉट, बाकी के डॉक्यूमेंटेशन, शिल्डर ऑफ सेलूँ, ये सब मेरा काम करके दो और मैं तुम्हें एक साल में पे कर दूंगा। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है ये पूरा, तो अगर आपको लगता है नहीं थोड़े पैसे बचाने हैं, सबसे पहले आप जा सकते हो यहाँ के रोड अथॉरिटीज़ को, जिनको जर्मन में बोलते हैं स्ट्रासनफर्क है,
और ये हर सिटी के अपने खुद के होते हैं, उन पर आप आराम से उनको मेल लिखो, पहले कॉल कर लो। अगर छोटा शहर हो शायद आपको ऑफिस जाना पड़े, पर हैमबर्ग में लकीली सब कुछ ऑनलाइन था, वाया मेल कम्युनिकेशन था, और आई थिंक पूरा प्रोसेस हाँ एक या दो दिन में सब फाइनलाइज हो गया। उन्होंने मेरे को एक फॉर्म भेजा, मैंने उनमें अपनी सारी डिटेल्स भेज दी कि मेरे को इतने घंटे के लिए चाहिए, इस यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग करनी है एटसेट्रा, और आई थिंक एक या डेढ़ दो दिन में एग्जैक्टली मेरे को सारे रिसीप्ट आ गए। प्लीज़ ध्यान रखना कि यार ये सारा प्रोसेस तुम 3-4 हफ्ते पहले करो अपनी शिफ्टिंग के। अगर आप लेट करोगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कभी कभार, तो हाँ देखो जो चीज़ होती है सीधे डबल या ट्रिपल हो जाएगी उसकी पार्किंग स्पॉट की रेट, और कभी कभार दिक्कत ये भी हो जाती है कि किसी और ने शायद उस जगह को रोक लिया या फिर आपका डिक्लाइन हो जाए, तो इन चीज़ों का प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। स्टेप टू आपका होता है शिल्डर ऑफ सेलिंग, जो हमने आपको दिखाए थे ना कि देखो यहाँ नीचे प्लेट्स लग गई हैं जिसपे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आपको एक सर्टिफाइड फर्म यानी एक सेफ्टी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास जाके उनको बोलना पड़ता है कि यार मैं इस वजह से मैं शिफ्टिंग कर रहा हूँ और मेरे को वो प्लेट चाहिए ताकि सबको पता हो कोई आके गाड़ी पार्क ना कर दे, और हमारे केस में तो कर भी दी थी फिर फाइन उनका लगा, तो फिर ये चीज़ आप पहले से करके रखना, ये चीज़ आप पहले से करके रखना, और ये सब करना ज़रूरी है क्योंकि अगर फिर ऐसे में आगे आपने भले ही पहला वाला स्टेप कर लिया आपका पार्किंग रिजर्व हो लेकिन वहाँ पे नीचे प्लेट्स नहीं लगी हुई ना, तब आप ही पे हो जाएगा कि भाई तुम्हारी गलती थी। अगर एक भी स्टेप मिस हुआ ना तो कोई काम नहीं करेगा भाई, पूरी की पूरी मेहनत बर्बाद। तो जैसे आपका स्टेप वन हो जाए, स्टेप टू के पास उनके पास जाओ, उनको डिटेल्स भेज दो कि यार ये हमारी शिफ्टिंग का है, और वो आपको एक कोटेशन भेजेंगे प्राइस का, और ख़त्म, और स्टेप टू ख़त्म। और यहाँ पे आके शिल्डर लगाना हटाना सब उनकी झंझट है, तुम्हें अपनी साइड से कुछ नहीं करना है। लास्ट होता है ट्रांसपोर्टर ढूंढना, ट्रांसपोर्टर ट्रक जो भी तुम्हें ज़्यादा ईजी पड़े वो रखना, सिटी के अंदर मूवमेंट करो ट्रांसपोर्टर काफ़ी बेटर होता है, ट्रैफिक में थोड़ा कम अटकेगा, और सिटी के बाहर हाँ ऑब्वियसली फिर तो ट्रक ही, अगर तुम सिटीज़ में शिफ्ट कर रहे हो। हम लोग तो अभी सिर्फ सिटी के अंदर था तो इतनी दिक्कत नहीं, सिटी के बाहर तो यार कितनी झंझट होती होगी यार लोगों को। खास होता है सबसे इजी होता है गूगल करना, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है, तो बेस्ट केस सबसे है सबसे अच्छा ऑप्शन है ईबे पे फाइंड करना। ये भी ईबे पे सीधे जाके लिखो ईबे पे उमसुक, और तुम्हें कई वो मिल जाएंगे कंपनी जो तुम्हें पर आवर रेट तुम्हारी आराम से बता देंगे एज़ पर यूनिट्स, फिर तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें उनके साथ हेल्पर चाहिए नहीं चाहिए। That's totally up to you. इस वीडियो के लिए इतना ही, आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।